मंदसौर जिले में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 700 के करीब पहुंच चुका है। शहर हो या गांव, हर तरफ डेंगू के मरीज देखे जा रहे हैं। मंदसौर जिला अस्पताल में 200 से अधिक मरीज डेंगू के भर्ती हैं। डेंगू के हालातों को चिंताजनक मानते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लार्वा सर्वे करवाया जा रहा है। इसके साथ ही तमाम वे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि डेंगू को कम किया जा सके। मंदसौर शहर में नगर पालिका द्वारा विशेष सफाई अभियान और सर्वे करवाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताएं घर घर जाकर मरीजों का सर्वे कर रही हैं। गौरतलब है कि कोरोना के बाद अब जिले में डेंगू ने अपना कहर बरपाया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के सामने डेंगू बड़ी चुनौती बना हुआ है। डेंगू मरीजों में प्लेटलेट्स को लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्लड बैंक के बाहर लोगों की लाइन देखी जा रही है, समय पर लोगों को रक्त नहीं मिल पा रहा है। वहीं इस बीच कालाबाजारी की खबरें भी सामने आ रही है। बुधवार को ब्लड की कालाबाजारी करने वाले एक युवक की धुनाई कर पुलिस वाले हवाले किया गया। सर, जिले में डेंगू के मामले सामने आ रहे लगातार, अभी वर्तमान में कितने केस और स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ तैयारी की हुई है? हाँ, जिला मंदसौर में डेंगू का अभी प्रकोप चल रहा है और अभी तक 698 मामले आ चुके हैं और जिसके अंदर 436 तो क्योर्ड हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, और वर्तमान में 262 केस अभी एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है और सभी का स्वास्थ्य ठीक है, कोई भी गंभीर नहीं है। सर, जो देखने में आ रहा है कि लगातार जो बच्चे हैं, शिशु, उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। वर्तमान में जो है इन दिनों में वायरल का प्रकोप होता है और पिछले सालों की तुलना में इस बार थोड़ा वायरल का प्रकोप ज़्यादा दिख रहा है और लगातार ओपीडी बढ़ती जा रही है और हमारे एडमिशन भी बढ़ रहे हैं। वर्तमान में जिला अस्पताल की स्थिति, बेड वगैरह की कंडीशन, शिशु वार्ड की कंडीशन? शिशु वार्ड में लगभग बेड सारे फुल हैं और वायरल के केसेस ज़्यादा हैं जिनमें सर्दी जुकाम है, किसी को निमोनिया है, किसी को डेंगू है, इस प्रकार के केसेस में बढ़ती है। इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? प्रारंभिक स्टेज में जो है सीतामो में सबसे ज़्यादा केसेस आए थे, हमने वहाँ पे जो लार्वा सर्वे किया, लार्वा नष्टीकरण किया, वहाँ पे हमने जो है लोगों को समझाइश दी और सूखा दिवस मनाया। इसके बाद हमने जो है फॉगिंग का कार्य भी किया, घरों के अंदर स्प्रे भी किया और आज वहाँ स्थिति कंट्रोल में है। अब कुछ दिनों से जो है प्रॉपर मंदसौर सिटी में जो है केसेस बढ़ रहे हैं जिसके अंदर आप मदारपुरा, खिलसीपुरा और मुल्तानपुरा के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और वहाँ पे लगातार हमारी 10 टीमें चल रही हैं पूरे शहर में और वो बारी बारी से सारे वार्डों को कवर करेगी जिसके अंदर स्वास्थ्य विभाग, मलेरिया विभाग, महिला बाल विकास विभाग, नगर पालिका और आशा आंगनवाड़ी सारी काम कर रही है। सर, लगातार ये भी जानकारियाँ मिल रही थी कि प्लेटलेट्स की जो कमी है, प्लेटलेट्स की कमी जिला अस्पताल में देखने को मिल रही है, इसको लेकर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? क्या पिछले बार से प्लेटलेट्स की क्षमता जो है वो बढ़ी है अस्पताल में? ये प्लेटलेट की चढ़ाने की प्रक्रिया तो इसी साल चालू हुई है, पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं है कि पहले कितने प्लेटलेट की आवश्यकता पड़ी थी और वर्तमान में जितने भी जो है रोज़ाना आवश्यकता पड़ रही है उतनी पूर्ति हम कर पा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। कैनन न्यूज़ के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट।